Assalamualaikum, Alaikum hello, hello 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 And Good Morning So Baba Khusham And welcome back To the dasu Dar Tareen Show in Pakistan Jis naam hota hai Coffee Mornings With Salmeen Ansari Salmeen Ansari, my name is Mapki Khitmat Me Hazit Chana Present Boss बारह तारीख है आज अक्टूबर की बुध का दिन है मिड वीक है उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही पहले मैं हिलना बंद करूं आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे आई होप यूर डूंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम वॉट एवर टाइम जोन योर इन और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए अल्लाह तब सबके लिए आ फरमाए आमीन वन थिंग दैट आई लाइक टू स्टार्ट दिस मॉर्निंग विद इज अ रिक्वेस्ट एक दरख्वास्त के साथ शुरू करना चाहूंगी आज का प्रोग्राम बिफोर वी गेट ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ द द डे एंड एंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड वर्ल्ड दैट इज कि हर दौर में चीजें बदलती हैं एक्सेप्ट करना चेंज को थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए मुश्किल होता है कुछ लोग एक्साइट होते हैं लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो जब कोई ऐसी चीज चेंज होती है जिसको हम डिसरप्शन कहते हैं तो उसको कबूल करने में खास तौर पे अगर उम्र आ, का ऐसा आ, क्या कहते हैं फेज हो या ऐसी उम्र हो जिसमें आपको लग रहा हो इन्हीबिशन पहले होते हैं अप्रहेंशन पहले होते हैं कि शायद हम ये इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट था अब डिसरप्शन क्या चीज़ होती है मिसाल के तौर पे एक वक्त था जो के लोग खत खतूत लिखा करते थे राइट उसके बाद अगर टेलीग्राफ या टेलीग्राम या वो क्या होता था मोर्स कोड का टाइम आया था अगर मैं सीक्वेंस सही समझ रही हूँ तो फिर टेलीफोन का आया जब टेलीफोन का दौर आया तो उसमें बहुत अरसे तक डायल अप जिसको हम कहते हैं जो हम घुमाते रहते थे उसको डायल को एंड देन के के मोबाइल मोबाइल सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोन नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी बट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोन के कैसा होता है हाथ में लेके बस फिर रहे हैं हर जगह राइट सो अगर हर दौर में हम ये तो एक मिसाल है और ह, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं लेकिन चीजें कॉन्स्टेंटली हो रही होती हैं कम अज कम हर 10-15 साल पे अब तो देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल ऐसी चीजें होती हैं जिसमें डिस्क्रप्शन होती है फर्ज कर अगर डिस्क्रप्शन की हम बात ना भी करें चेंज तो होती है ना चीजें हर दौर में कोई नई चीजें आती हैं उसी चीज का कोई कोई बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक फॉर्म या बेसिक एटीट्यूड या बेसिक बिहेवियर पहले भी पहले की जनरेशन में भी मौजूद होता है यानी वही रवैये या वही उसी कस्म की चीजें लेकिन एक नए नई सूरत में जो है वो सामने आती है नई शक्ल के साथ सामने आती है तो ये तमीद मैं क्यों बांध रही हूँ बिकॉज uh, हम करंट जनरेशन को आई थिंक अंडरस्टैंड एंड आई टॉक लॉट अबाउट द करंट जनरेशन यानी कि आज की जो नस्ल और पौध है जो नौजवान है आज के और खासतौर पर टीन एजर्स जो है एक चीज जो मुझे कॉमनली देखने को मिली है अब पढ़े वो प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं या चले प्राइवेट स्कूल में नहीं भी अगर पढ़ रहे हैं अगर पब्लिक पब्लिक मॉडल स्कूल में कम होता है ये प्राइवेट स्कूल में ज्यादा होता है Uh, तो जिसको कहा जाता है अमेरिकन एक्सेंट ठीक है उसमें बच्चों ने काफी ज्यादा बात करना शुरू कर दिया है राइट ना आई रिमेंबर वेरी विविडली कि मैं एक दफा अमेरिका से फैमिली uh, uh, थी वहां पे तो हम ऑलमोस्ट एवरी अदर जाते थे uh, नानी नाना जब हयात थे तो आई केम बैक और थोड़ा सा लंबा दौरानिया था हमारे उस स्टे का और मेरा एक्सेंट थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ था बिकॉज कॉन्स्टेंटली टू योर कजन यू वॉन्ट टू यंग एज में होता है खास तौर पर तो आप एक तो पिकअप कर लेते हैं उन चीजों को और दूसरा ये शायद उनके साथ फिट इन करने के लिए या इम्प्रेस उनको करने के लिए जो वहां रहते हैं यू स्टार्ट स्पीकिंग इन मे बी दैट काइंड ऑफ एन एक्सेंट राइट सो इट वॉज वेरी नॉर्मल एंड आई नेवर फर्गेट दिस क्लास क्लासफिल ऑफ माइंड जिसके साथ मैं बचपन से पढ़ी थी शी वॉक अप टू मी एंड शी सेड शी इज लाइक

कि आपको बुरा क्या लग रहा है कि वो आप जैसे एक्सेंट में बात नहीं कर रहे हैं आप जैसा तलफज और अदायगी उनकी नहीं है अंग्रेजी में या द फैक्ट कि वो एक एक्सेंट है जो कि अमेरिकन है यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वाई बॉदरिंग यू बिल्कुल जिस तरह हमें शायद अच्छा ना लगे जब यंगस्टर्स अगर हमारे बड़ों की अंग्रेजी का तलफ अक्सर हमारे बड़ों का वेदर वो तालीम याफ्ता है या नहीं है वेदर वो उन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजी बोली है नहीं है उनका तलफ़ कुछ अल्फाज में डिफरेंट होगा ठीक है जिस तरह कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं और कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं राइट सो so, इसमें भी जनरेशन इसमें आपकी स्कूलिंग का, का भी असर होता है और इसमें आपके दौर का भी असर होता है कि उस वक्त लोग क्या कॉमनली ज्यादा बोल रहे थे तो so, आपको शायद अच्छा ना लगे जब अगर आपका यंगस्टर आपको करेक्ट करे कि ये नहीं होता ये होता है तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बेटर कनेक्टिविटी टू द यंगर जनरेशन बिकॉज है तो उनका ही दौर और वो हमारा फ्यूचर है और मैं अक्सर जिक्र करती हूँ जिसमें हम उनको पोल्यूशन पॉपुलेशन ओवरफ्लो इकोनॉमिक क्राइसिस क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है बिकॉज हमारी जनरेशन ने ऐसा कबाड़ा किया है इंडिविजुअली ऑन अ कम्युनिटी लेवल ऑन अ कंट्री वाइड लेवल एंड ऑन अ ग्लोबल लेवल दैट दे हैव टू पुट अप दे आर

कि हम जब तुम्हारी उम्र के थे तुम्हारे लिए तो इतनी आसानियां हैं तो हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम पैदल स्कूल जाते थे इवन अगर उसमें हकीकत है अगर आप उनको इंस्पायर करना चाहते हैं उनको मुतासर करना चाहते हैं कि आपके वक्त में सख्त वक्त था और आपने तब भी हासिल किया तो जता के की ना कीजिए बिकॉज एहसास उजागर करने के लिए आपको भी तो एहसास करने की जरूरत है कि वो उस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे और अगर आप बड़े हैं तो मिसाल बेहतर क्या हमें नहीं कायम करनी चाहिए बड़े होने के नाते सो दिस इज माई रिक्वेस्ट एक्सेंट से बात शुरू हुई एक आध बच्चों को मैंने बात करते हुए सुना जिन जो अमेरिकन एक्स अब कार्टून भी बहुत सारे ऐसे हैं वीडियो प्रोग्राम्स भी ब्लॉगर्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हैं बाहर के ममालिक के, तो वो ऐसे एक्सेंट में बात कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अपने बच्चों से दोस्ती करने के लिए उनको बेहतर समझने के लिए उनको ये बताना कि हमारे वक्तों में के बजाय अच्छा शो में मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो आई नो कि बड़ा डिफर डिफिकल्ट होता है टीन एजर्स अगर खास तौर पर अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं तो उनका एक अपना ही एक यू you नो know, उनको स्पेस चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए माम यू वन अंडरस्टैंड वाला एटीट्यूड शायद हो उनका बट इफ़ यू गोइंग टू मुसलत आए योर जमाना एंड तुम्हें क्या पता और हमने तुम्हारी नैपियाँ बदली हैं और अब हमें समझाने आ गए हो उससे वो फासला बढ़ेगा ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन दे आर वॉट दे आर एंड वाई दे आर सो दैट यू कैन इंस्पायर देम टू वॉन्ट टू नो हू यू एंड वॉट यू वाई दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत की जाए या आपकी बताए हुए तरीके आपके तजर्बे का वो अच्छे तरीके से फायदा उठाएं उससे सीखें तो वो ओपननेस रखिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है हर चीज गलत नहीं है फर्क है

यार कोई अच्छी खबर भी साहिद भी आलमी दे दिया रेलवे का 20 अक्टूबर से मजीद तीन ट्रेन बहाल करने का फैसला जो मैंने आपको बताया था कि टिकटिंग रोक दी गई है ट्रेन जो है वो 20 अक्टूबर से पहले नहीं चलेंगी बिकॉज अभी भी ट्रैक्स को ठीक किया जा रहा था बिकॉज सैलाब की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासर हो दीज रही थेडलाइंस आज का सवाल इज रिलेटेड टू एसेंशियल हैबिट्स यानी कि बहुत जरूरी आदात आदात इंसान अपनाता है इंसान का अपना जो किरदार या पर्सनालिटी होती है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम वीयर बॉर्न विद एम जेनेटिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुंसिस के साथ साथ हमें आती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े होने के बाद हमें अपने हमें अपनाने की जरूरत होती है ताकि हम जो है वो आ, इस सोसाइटी में हम हं, हं के साथ और कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकें आप क्या समझते हैं कौन सी बहुत सारी होंगी लेकिन एक ऐसी बहुत ही बहुत ही अहम आदत है जिसको अपनाने से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं लेकिन अपनाना बड़ा मुश्किल है यानी आप जानते हैं एतराफ करते हैं मानते हैं कि यह बड़ी जरूरी चीज एक बेहतर इंसान बनने के लिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग एंड सक्सेस एंड ऑल that दैट जस्ट बिकमिंग अ बेटर पर्सन एक ऐसी आदत जो कि बहुत essential है लेकिन उसको अपनाना बड़ी दिक्कत पेश आती है

आप अपने तरीके से लगे भी अगर आपको कि नहीं जी सकते तो जी लीजिए um, अगर आप सब कुछ सही भी अकॉर्डिंग टू पीपल्स एक्सपेक्टेश करेंगे ना तब भी लोगों की तो आपसे और ज्यादा होंगी या और मुख्तलिफ होंगी सो नॉट से लोगों को ले के साथ जिंदगी में नहीं चलने की जरूरत है वो भी जरूरी है पार्ट ऑफ अ सोसाइटी बट सोसाइटी जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें करता है वो हमने खुद ही इजाजत दी है सो योर लाइफ वन लाइफ Live it up the way that you want, it's a very good reminder. Achha ji, what's happening around the world, May Aisha Naseem? Take a bow, girl! Absolutely fantastic. And everybody on Twitter was like, What's with the uh, surname Naseem and Chakkas in the last couple of balls? Very, very well done, Pakistani women's cricket team. Ko bohat, bohat that they've made it to the semi finals. I believe Sri Lanka, ka unka match. good luck to them. Not only have they made it to the semi finals, but they've definitely put up. A very good fight, and they've been showing their skill, um, uh, improvement, match after match. Or. उससे भी ज्यादा खुशी मुझे हो रही है जो क्रिकेट शायक है वो उसी तरह उसको सपोर्ट कर रहे हैं uh, टूर्नामेंट को जिस तरह मेंस क्रिकेट को करते हैं जो पहले नहीं होता था Twitter, ये सब uh, जो है वो हम पे आता है कि लोग कितना ज्यादा उसको सपोर्ट कर रहे हैं वेरी so हैप्पी आज का सवाल दोहराई देती हूँ एंड ऑल्सोट वर्ल्ड इज ऑफ दोस्टेंशल बट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट कौन सी एक ऐसी आदत है जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए नथिंग रिलेटेड टू करियर और वर्क और कामयाबी अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ही जरूरी एक आदत लेकिन वो बहुत मुश्किल है और दिक्कत बहुत पेश आती है उसको अपनाने में ऐसी आदत के बारे में बताइएगा नॉट जस्ट जनरली कि ये जरूरी है मतलब इस बात का सामना और एतराफ़ करना और इस बात को मानना जरूरी है कि दिस इज वेरी बट इज वेरी हार्ड टू अडॉप्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हमारी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है सो वे लॉट लॉट्स ऑफ लाइक हो लॉट आई गेट टू दैट इस अगली ब्रेक के बाद लेकिन वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के हवाले से मैं जरूर बात करूंगी आज 12 अक्टूबर को बैन अलावी सतह पर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है बहुत बहुत जरूरी है ऑब्जर्व <coughs> इसलिए करना क्योंकि आप मतलब बिल्कुल सादा जबान में और आम अल्फाज में इंसान का ढांचा जो है वो हड्डियों पर मुश्तमिल ढांचा है, है? कहते ही हम स्केलेटन uh, को है एंड देन उसके ऊपर ऑब्वियसली ऑब्वियसलीयर सो मेनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ लेकिन जिस तरह हर जिंदगी में हर किसी भी चीज की फाउंडेशन बेस्ड होती है उसका ख्याल रखना जरूरी होते हैं उस तरह अगर आपका जो जो है या skeletal structure जो है या स्केलेटल स्ट्रक्चर आप ख्याल नहीं रखेंगे या रखेंगी आ, इस बात से घबरा के के अच्छा ये तो फलानी उम्र में होता है अब इतना नाइव हो के या इतना इग्नोरेंट हो के कि आर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज इशूज आपको किसी भी उम्र में हो सकते हैं और दोनों जेंडर्स को हो सकते हैं और आ, वो मैनेजेबल है बिल्कुल जैसा बहुत सारी और बीमारियां जो कि क्योर नहीं होती हैं लेकिन मैनेजेबल होती हैं यानी कि आप कोपिंग मैकेनिज्म थैंक्स टू एक्सरसाइजेस थैंक्स टू फूड्स थैंक्स टू मेडिकेशन जो है उसको मैनेज कर सकते हैं तो मैनेज करना ज्यादा जरूरी होता है जब पता है कि कोई किसी चीज़ का उस तरह साइंसदानों uh, ने या मेडिसिनल uh, एक्सपर्ट्स ने कोई हल कंप्लीट नहीं अगर निकाला है तो उसको प्रोग्रेस करने से कम से कम हम ए, किसी स्टेज पर रोक सकते हैं और उसके लिए क्या जरूरी है मानना इस चीज को कि ये एक बीमारी है बल्कि मल्टीपल टाइप्स होते हैं आर्थराइटिस के, आम, और ये मत अज्यूम क्या करें कि जी अम्मियों को होता है और गोडो में सिर्फ होता है और एक सर्टन उम्र के बाद होता है ऐसा नहीं होता है आर्थराइटिस आर्थराइटिस या ये किसी भी किस्म का स्केलेटल पेन जो है ठहर right जाए मैंने अभी निकाला भी था इसको इट इज इट गो लेटल Musculo, डिजीजेस जो होती हैं रोमैटिक और मस्क्यूलोसलेटल डिजीजे जो होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं तो हर साल बारह अक्टूबर को अवेयरनेस रेस करने के लिए यानी लोगों को बाखबर करने के लिए समझाने के लिए कि ये ऐसी चीजें हैं आर एम डीज जो होते हैं उनको पहचाना उनके साइंस क्या है उनके बारे में आप रीड कर सकते हैं इस साल की थीम इनकी है इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन लाइक सो मेनी अदर थिंगस इन आर लाइफ हमारे हाथ में है चेकअप कराने की बात में कल भी कर रही थी ना कि कुछ लोग जो है वो एवरी क्वार्टर अपना ब्लड करवाते हैं उसी तरह आई चेक करवानी चाहिए उसी तरह आपको डेंटल चेकअप कराना चाहिए तो इसी तरह आपको अपने बोन्स का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है आपको जीन्स में मिलती है माई फैमिली माई फैमिली इट वी कॉन्ट आई मीनियर बट इट वॉज रियली आइडेंटिफाइबल वो जेनेटिक था या वो सिर्फ होना ही था रोम रोमेड फीवर होता है ना जो आपको काफी यंग एज पर हो सकता है उसके uh, जैसा मेरी अम्मी बताती हैं उसके कोई अम्मी कहती है कोई घोड़े के साइज की सरिंज होती है उसके इंजेक्शन लगते हैं वेरी पेनफुल बट इट गेट्स बेटर एन इट एक्सक्यूज मी एंड देन उसके सर्टन uh, अरसे के बाद आपको उसके इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ते एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस बट आई विल यू नो ट्राई माई लेवल बेस्ट लाइक सो मेनी अदर थिंग्स की अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू यूर डॉक्टर्स अबाउट इट एंड स्पेशलिस्ट से बात करें जनरल फिजिशियन से आपको उस तरह की फीडबैक नहीं मिलेगी ना उस तरह की uh, शायद स्पेसिफिक एडवाइस जिसकी आपको जरूरत है वो मिल सके शायद वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है uh, बारह अक्टूबर से इसको या ऑब्जर्व किया जा रहा है एंड ग्लोबल कम्युनिटीज लाइक कम्युनिटी फाउंडेशन कम टू टू रेज अवेयरनेस अवेयरनेस एंड फाइट गैप इन ऑर्डर प्रोवाइड सपोर्ट एंड एक्सेस टू द कम्युनिटीज बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे मेडिसिनल uh, फैसिलिटीज होती ही नहीं है तो एक तो वहां ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है एंड देन अगेन इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन रिकगनाइजिंग दैट जस्ट लाइक एलर्जीज इतनी कॉमन हो चुकी हैं या और इशूज हैं हेल्थ इशूज हैं जो कि बहुत कॉमन हो चुके हैं तो arthritis इज ऑल्सो something विच कैन बी मैनेज इफ डिटेक्टेड एट द राइट टाइम यानी सही उम्र में इससे पहले कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए इसकी शिनाख्त कर लीजिए तो फिर एहतियात बरत सकते हैं आप और मुकम्मल इलाज अगर ना भी करा सके तो उस तरह का इलाज हो सकता है जिससे वो बदतर ना हो होमर्शियल ब्रेक वापस आते हैं इसके बाद स्टेट कमिंग आप इज द टॉप ऑफ आर मैं देख रही हूँ इतने सारे जवाब एंड मेरे ख्याल में शायद एक आधी लोगों ने यार थोड़ा सा लेजी कम हुआ करें हैश किसी वजह से मौजूद होते एक आधी लोगों ने हैश रखा है जवाब जो है वो दर्जनों आए हैं ये ऐसा तो नहीं करते हैं ना हैश टैग किसी वजह से मौजूद है शो का सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट इंस्पायर टू पार्टिसिपेट एंड पार्टिसिपेड मोर एंड मोर पीपल पार्टिसिपेट ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आपको और ओपिनियंस के बारे में पता चलता है सो प्लीज गो अहेड नेक्स्ट टाइम एंड प्लीज कॉफी विद के साथ कमिंग इज द टॉप ऑफ आर रियल क्विक एक आधी जवाब शामिल कर लेती हूँ उस्मान कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन तबरेज खान कहती हैं है दैबिट टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग जिम्मेदार इंसान बनना जो है वो बहुत जरूरी है और हमारे मुल्क के ज्यादातर मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे और दुनिया के भी अगर हम जिम्मेदार जिम्मेदारी उठाना शुरू कर रहे थिंक इट्स मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट सलीम अबास साहब कहते हैं बहुत सारी चीजें लेकिन इन पॉजिटिव सर्कल पॉजिटिव सर्कल इज बेसिक रीडिंग बुक्स इज नेसेसरी फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग और प्रोमोटिंग रीडिंग बुक्स का मुश्किल है द क्वेश्चन वॉज इट्स समथिंग विच इज वेरी नेसेसरी वेरी गुड हैबिट टू बिकम अ गुड पर्सन बट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट

अभी-अभी ट्यून इन किया है अच्छा जी वी विल गेट स्ट्रेट टू द आंसर्स बिकॉज़ बहुत सारे जवाबात आज का सवाल था कि कैसी आदत जो बहुत अहम है अपनाना एक अच्छा इंसान बनने के लिए स्पेसिफिकली um uh, लेकिन उसको अपनाना काफी मुश्किल है सो ए हैबिट ऑफ योरस व्हिच नॉट ऑफ योरस हैबिट व्हिच इज एसेंशियल टू बिकम अ गुड पर्सन टू बिकम अ बेटर पर्सन Yet, it is very, very difficult to adopt. Hashtag kijega apne jawab ko Coffee Mornings with Salmeen ke You have another five, six minutes to, excuse me, to send in your answers. Ek choti si ki mixture thi, Coffee Mornings with Salmeen ke saath. Hashtag mm -hmm. and you can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an And -E Actually, I just had Nihari and Naan. ट्विटर पे इतने सारे लोगों ने पोस्ट किया था या पाया खा नहीं है तो शुक्र को रियल होना बड़ा बड़ा है, के ऐसी चाहिए आई लेकिन हम सब इंसान नहीं किसी चीज से तो किसी ने जवाब दिया ना आज के सवाल के हवाले से भी सच बोलना आई थिंक सच बोलने से ज्यादा सच जीना जो है ना हकीकत रियालिटी ऑफ हुई वॉट वी आर एंड थिंगनी टाइम आई थिंक ये बहुत ही अहम है बहुत ज्यादा अहम है टू बी एबल टू लिव अ मोर पीसफुल लाइफ सो वॉट इज वन ऑफ द मोस्ट हैबिट्स टू टू बी बेटर पर्सन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अडॉप्ट मजह अली खान कहते हैं पंक्चुअलिटी टाइम की पाबंदी अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन बहुत मुश्किल है अच्छा

इज्जत कर रहे हैं दूसरों की अगर हम इज्जत कर रहे हैं दूसरों के वक्त की इज्जत कर रहे हैं तो दैट डज मेक अस अ बेटर पर्सन लेकिन अगेन इट्स एन इनडायरेक्ट लिंक राइट डायरेक्ट लिंक के हवाले से अगर बात करें हम यू um, नो you know, um, क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो बिकम मेकिंग अ बेटर ह्यूमन बींग

स uh, yeah. कर लेते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है um, हम टाइम निकाल लेते हैं फॉर दो लाइक बेकिंग खुर हम कहते हैं बीफ गिविंग एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत असेंशियल है लेकिन आप कह रहे हैं कि मुश्किल होता है फे गिव करना हाँ लोग वैसे काफी सारे रख लेते हैं कहती है, गैजेट से दूर रहना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है और बड़ों में बैठना हमें अच्छा इंसान बनाता है हाँ ये दोनों चीजें जरूरी है लेकिन इसमें से बड़ों में बैठने की में दिक्कत क्या है सवाल ये था कि आ, ऐसी चीज जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है यू इट बे, मेक्स यू बेटर पर्सन लेकिन बहुत मुश्किल है अपनाना बड़ों में बैठना क्या मुश्किल है वक्त लोग नहीं निकाल पाते हैं। क्या? डू यू थिंक सो काशिफ रियाज कहते हैं एम्पति एहसास मेरा फेवरेट जवाब कहते हैं वी आई रिवॉल्व अराउंड एंड पीपल रियाज कहते हैं वी जनरली जज पीपल बाय आर स्टैंडर्ड्स, वी सी थिंग्स फ्रॉम आर ओन टेंटेड लेंस Lens ना, या lens तो हमें इतना भी एहसास नहीं होता कि शायद वो इसलिए फोन नहीं कर पा रहा क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे या उसके पास वक्त नहीं है या कोई और यू you नो know, दस करोड़ वजुहत हो सकती है हमारी एम्पति कहा गई फिर हुँ. राइट डज इट मेक सेंस हबीबुल्लाह खान कहते हैं बायस मिटिगेशन इसको मैं थोड़ा सा एलब्रेट करूंगी लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड जब आप कवाइद व जवाबात के बिना पे नहीं लेकिन अपनी तरजीहात की बिना पे किसी चीज को अपनाते हैं तो उसकी तरफ हम कहते हैं यू आर बायस्ड टुवर्ड्स दिस पर्सन या यू हैव अ बायस विद दिस पर्सन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अम्मी क्या कह रही हैं तो ठीक ही होगा वो खैर मोहब्बत है रिश्ता है बट मिसाल के तौर पर मैं आपको यू नो you know, कह रही हूँ मिटिगेशन इफ आई मिटिगेटैंड करेक्टली इज मैनेजिंग थिंग्स बिटवीन टू पार्टीज पीपल पर नज़रियाज एट्रा सो बायशन मिटिगेशन जो आज uh, के सवाल के केवाले से हबीबुल्ला खान साहब ने कहा है दैट वुड बी टू कीपैट बैलेंस कि आपका अगर कोई रुझान है भी आपकी कोई राय है भी तो उसको आप क्लाउड ना होने दें um, with योर प्रेफरेंस और मिटिगेट करें उसको मैनेज करें एज कवायद जवाबित, के बिना पे फैक्ट्स के बिना पे डेटा के बिना पे बीग अगर इफ एम अंडरस्टैंडिंग दिस करेक्टली बगैर बहुत सारे तरीकेकार भी होते हैं बाइस मिटिगेशन के कि आप uh, इस सबसे पहले इस बात को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि सबकी एक अनकॉन्शियस बाइसनेस होती है सबकी होती है ठीक है उसके बाद कि हम सोच के माइंडफुल होके माइंडफुलनेस के बारे में आपको याद होगा दो हफ्ते पहले मैं कंसिस्टेंटली बात कर रही थी तीन चार दिन तक कि अपनी जात से निकल के जब इंसान थोड़ा सा कंसिडरेट होता है अबाउट थिंग्स अराउंड अस तो हम फैसला जो है या राय अपनी जो है वो बेहतर तरीके से फॉर्म कर सकते इट्स नॉट हैं इट्स नॉट टिल्टेड बास वन साइड ओनली अपने आप को अपने बिहेवियर को अपने रवैयों को मॉनिटर कर करके हम बायसनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं हम हटाने की कोशिश नहीं कर रहे बिकॉज कुदरती ये होता है वी आर ऑल लाइक दिस लेकिन उसको हम बेहतर कर सकते हैं सोशल सर्कल को अपने आप अगर एक्सपैंड करते हैं एक जैसे लोगों से आपके जो कहते हैं ना मेरे बचपन के फ्रेंड्स का सर्कल है या बेस्ट कजन हैं बहुत जरूरी होता है अगर आपकी अपनी ट्राइब हो लेकिन जब आप अपने आप को महदूद करते हैं आप एक जैसे ही लोगों के एक ही ग्रो ऑफ पीपल के साथ कंसिस्टेंटली उठना बैठना करके तो आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल ठीक है दैट कैन बी योर सेफ स्पेस लेकिन आपकी थिंकिंग आपकी माइंडसेट एंड आपकी बायसनेस एक ट्रैक पे ज्यादातर चलती है ट यू मीट वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एक्सेट्रा सो बायसनेस को टाकल करने का मैनेज करने का आ, के बहुत सारे तरीके कार होते हैं so, आज के सवाल के हवाले से और जवाब क्या है एन से सेल्फ बहुत जरूरी है आ, यासर खान कहते हैं एम्पति यानी एहसास मलिक उमेर रशीद कहते हैं अपनी शॉर्टकमिंग यानी अपनी कोहताइयों को मानना और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करना आज का सवाल इनकेस आपने मिस किया वॉज कि एक ऐसी क्वालिटी जो कि बहुत जरूरी है बहुत अहम है एसेंशल है अपने आप को बेहतर इंसान बनाने के लिए लेकिन अपनाना उसको बड़ा मुश्किल है दिक्कत पेश आती है फरुख शजाद आलम कहते हैं साइलेंट रहना खामोश रहना। अदनान अहमद सदी कहते हैं टू रिमेन पॉजिटिव एन ओवरऑल नेगेटिविटी। वेरी गुड आंसर कि इंसान अपने आप को मुस्बत ख्याल का मरकज आ, बना के रखे और मर, आ, 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 आपके ख्याल का मरकज जो है वो मुस्बत नोयत के ख्याल हो तो, नेगेटिविटी को आप मनफी नोत की चीज़ों को कम रखें इसके बावजूद कि आपके इर्द गिद इतना कुछ हो रहा होता है ये बड़ा मुश्किल है और जरूरी भी बिलाल बिलान कहते हैं अपना काम रखना कीपिंग योर काम यू नो बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखना आ, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में भी केटिक दुनिया में भी अपने आप को रिलैक्स रखना अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत असेंशियल है लेकिन बहुत दिक्कत भी पेश आती है डॉक्टर तो के कमाल ने डॉक्टर के कमाल कहते हैं पंक्चुअलिटी वक्त की पाबंदी नशीता लखानी से नशीता होप योर नेम करेक्टली पेशेंस शहबाज अहमद कहते हैं सबर एंड मोहम्मद इब्र आफरीदी ने भी कहा सबर इंटरेस्टिंग लोगों ने पंक्चुअलिटी और पेशेंस की बात जो है वो आ, काफी ज्यादा लोगों ने इस चीज की बात की और अगर कोई जवाब रह गए हैं उनको शामिल करूंगी मैं थोड़ी देर बाद लेकिन एक और चीज जो मैं कि मैं शेयर करना चाह रही थी अर्लियर टुडे आई टॉक अबाउट वर्ल्ड आर्थराइटिस डे एंड आई अबाउट अवेयरनेस बाबर होना चेकअप कराना अपने और अपने प्यारों की खातिर बहुत जरूरी होता है कि आपको आ, आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि बहु, और बीमारियों की तरह या और कंडीशंस की तरह जिस तब तीज है नहीं नहीं शुगर तो बूढ़ों को होता है ये कह कह, कह पाकिस्तान को आप देख लीजिए क्या हालत होगी एक तो इतना कॉम्पलेक्स है ना हमें कि कोई भी चीज अगर हो जाए कोई भी अगर बीमारी या कंडीशन हमें आ जाए तो उसका मतलब है कि हमारी जिंदगी मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गई खराब हो गई है ऐसा थोड़ी होता है यार इतनी हम इतनी छोटी सोच रखते हैं इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ आप इंसान की शुरू के वक्तों से देख लीजिए जब इंसान दुनिया में आए हैं आप पैगंबरों के वक्तों से आप देख लीजिए बीमारी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इट इज समथिंग दैट अल्लाह ताला हैज आल्सो सेड इज गोइंग टू बी देयर तो ये जब निजाम है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है तो इसमें लोग क्यों हाय वो बेचारा बड़ा बीमार रहता है फलानी बीमारी होगी शुगर है क्यों हाय करके तो शक्लें जो बनाते हैं ना स्टॉप विद द हाय प्लीज एक्सक्यूज मी हाय लगाने की जरूरत नहीं है ना हाई हाई करने की जरूरत है जस्ट टेक इट इजी इट इज जस्ट लाइक गुड हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ उसी तरह दिस इज नॉट बैड हेल्थ डायबिटीज होना आर्थराइटिस होना का मतलब ये नहीं आपकी सेहत बुरी है उसका मतलब है आपकी सेहत का एक हिस्सा ठीक नहीं है क्योंकि वो होना था आपको जस्ट लाइक और सो मेनी अदर थिंग्स जस्ट लाइक हम अगर ये कबूल तो कर सकते हैं हम कहते हैं अल्लाह की रजा है कि दुनिया से सबको जाना है राइट right? कहते हैं ना मानते हैं यही ईमान है ये ये दुनिया ने जाने जितनी जिंदगी लिखी होती है उतनी मिली तो जितनी जिंदगी लिखी हुई है उसमें बीमारी कैसे हिस्सा नहीं है और ये बुरी चीज कैसे है हम किसी की अपने करीब तरीन लोगों का दुनिया से चले जाना कबूल कर लेते हैं लेकिन हम बीमारी को कबूल नहीं करते हैं वो भी तो अल्लाह तक की बनाई हुई है उसकी रजा के बगैर क्या पत्ता भी हिल सकता है नो सो कमिंग बैक टू आर्थरा स्वेलिंग और टेंडरस रेडनेस पेंट पेन इन ज्वाइंट पेंट एंड स्टिफनेस स्पेशली इन द मॉर्निंग ये चार बहुत अहम uh, इशारे हैं कि आपको शायद ना नॉट नेसेसरली शायद आपको किसी किस्म की आर्थराइटिस रिलेटेड बीमारी हो आर्थराइटिस की जो एक फैमिली होती है जिसमें मुख्तलिस्म की कंडीशन होती हैं शायद उनमें से एक हो ये किसी भी उम्र में हो सकता है अच्छा अगर आपको ये चार सिम्टम्स हैं शायद आपको कोई आर्थराइटिस रिलेटेड इशू ना हो सिर्फ जिंदगी ना लाइफ मी। लाइफ है बिन, है बिन मी। में कुछ था चीज़ माफ सो आपको ज्वाइंट पेन वैसे भी हो सकता है ठीक है स्वेलिंग आपको हो सकती है वैसे भी, वैसे भी भी किस किसी वजह के बगैर नहीं होता है लेकिन जरूरी नहीं कि हो। लेकिन इन चीजों को आप अगर देख रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करें पुट ऑफ नहीं करें यानी आपके जोड़ों में जिसको कहते हैं हम किसी भी जॉइंट में आपको पेन इट कु एनी वेयर आपकी कलाइयों में भी हो सकता है सो so, रूमोटॉड मैंने कराए थे टेस्ट के मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी जब मैं कराची में थी और वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी कि मैं मतलब लिटरली जब मैं गाड़ी नहीं चला रही होती थी या मैं कोई काम नहीं कर रही होती थी तो मैं यूं बैठी होती थी यूं यानी आप शाम को यूट्यूब का एपिसोड देख लीजिएगा लिटरली यूं करके एंड आईजेज हल्का हल्का दबाही होती थी मेरा पेन थ्रेश होल्ड अलहमद लाला बहुत है यानी तकलीफ की जो बर्दाश्त होती है यानी जिसमानी कोई तकलीफ बहुत है अलहमद क्राइंग मैं रोना शुरू हो गई थी मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी सो मैंने अपना सारा बोन्स का अल्ट्रासाउंड मुझे नहीं पता होता है अलग से वो करवाया था एंड बिकॉज यही डर था कि खुदा ना करे खुदा ना करें इन देंस दैट मतलब क्या पता के रोमोटरास uh, ना हो या यू you नो know, इस तरह की कोई चीज ना हो लेकिन वो नहीं थी उन्होंने कहा था कि आप ध्यान रखिए यू जस्ट नीड टू इंक्रीज योर इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड वाइटमिन एटसेट्रा एक्सरसाइजल मोर्स मोर इन दन एट्सेट्रा एटसेट्रा ध्यान रखिएगा आपका अभी बॉर्डर लाइन है आपको अभी ऐसा कुछ भी नहीं अब उन्होंने कहा था बॉर्डर लाइन तो मैंने कहा था बॉर्डर लाइन का मतलब है कि यू नो नहीं उन्होंने कहा था कि अभी बिल्कुल इनिशियल के भी इनिशियल स्टेज जैसे तो मैंने कहा था इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं है मतलब नॉट कि मैं उनकी एक्सपर्टीज को रद्द कर रही थी लेकिन आ, उन्होंने जितनी श्योरिटी से कहा था कि आपके सारे सिम्टम्स के वाज लाइक रोमोटोडाथ नाइनटी परसेंट श्योर और वो बिल्कुल भी नहीं निकला था तो इसलिए जब उन्होंने कहा था ना शुरू के शुरू मैंने कहा अच्छा अलहमदल वो हुआ क्या था मेरे साथ बिकॉज इस्लामाबाद के बाद कराची जैसी सड़कों पे एक तो चलना पड़ा था फिर हवा में नमी इज़ समथिंग जो कि फैमिली वाइज आई सीन खातन में होता भी है और हमारी फैमिली में भी है कि जॉइंट्स में थोड़ा पेन होने लगता है बिकॉज ऑफ हवा में नमी एंड देन सड़कें ऐसी थी कि वो जो झटका मैनुअल गाड़ी में चला चला के लग रहा था वो मेरे रिस्क पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा था That is what had basically happened. So, नहीं चाहिए पहले से एहतियात जरूर बरतनी चाहिए बहुत सारे पैसे लगे थे और बहुत सारे टेस्ट कराने की जरूरत पड़ी थी बट कम अज कम क्लियर तो हो गया था कि I didn't have this. डेंट so, yes, वर्ल्ड Arthritis डे के हवाले से आज जो गुफ्तगु मैंने की उसमें से टेकअवेज क्या है किसी भी और बीमारी की तरह बेहतर है कि एहतियात इंसान बरते एहतियात से बेहतर है हमेशा ये सुनते हैं जाके जा अपना चेकअप कराइए हड्डियों से मुताक इंफॉर्मेशन ज्यादातर इंसानों को नहीं होती है हम जिल्द और बाल और पेट और जुकाम और इस तरह की चीजों से रिलेटेड फिर भी बात यू नो बातों को समझने लगे हैं लेकिन हड्डी एक बहुत ही स्पेसिफिक एक एरिया है नो बडी हैज एक्सपर्टीज एक्सेप्ट फॉर द एक्सपर्ट्स जो कि ऑर्थोपीड होते हैं तो उनसे आपको जाके पता करने की जरूरत है अपना ध्यान रखिए और अपने Interesting headline. State set for major reshuffle and top military brass. Now in Pakistan, I don't know about other countries, I'm not aware. Um, in Pakistan, there is a certain number of promotions of uh, of certain ranks hoti hai at one time. So rare hota hai ki zyada ho ya certain se zyada ho, logon ki, jinki promotions ho to the rank of lieutenant general at one time. Um, so the promoted generals according to ISPR और एक दो तीन मैं नाम नहीं ले रही हूं चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फोर्टीन पीपल इंटरेस्टिंग सबको खुश रखना है <laughs> I think that sums up what's happening in our country right now. So, sab ko khush rakhna hai, I guess. Um, aaj ke sawal ke hawaale se, jawab uh, ek jo rahe gaya hai, that is, umar ka umar kehte morning, morning to you too. In my opinion, the habit one can adopt is to be comfortable being alone. Be your own best friend and don't rely on people for emotional support. All mentioned above is simply the same. Baad achcha jawab hai. Jawab toh khair saare hi achche the, but kuch shahe thode se zada mujhe bhai. And this is one of them. कि आप अकेले रहने की आदत एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है बिकॉज इसका लिंक जो मुझे समझ आ रहा है इसका लिंक ये है कि आपको जब आप जब हम खुद मुख्तारी की बात करते हैं उसमें अपने साथ वक्त गुजारना अपने आप को इतना पसंद करना और अपने ऊपर इतना भरोसा रखना कि आप अपने साथ वक्त गुजार सकते हैं अगर आपको दूसरों की कंपनी अपनी कंपनी से ज्यादा अच्छी लगती है तो वट दैट डिफाइन इट से अबाउट यू एंड देन हाउ केन यू बी अ बेटर पर्सन टू देम उनके लिए आप कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं जब आप खुद ही अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं तो या आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं या अपने साथ वक्त ही नहीं गुजार पा रहे हैं जो हमें डर होता है ना हम कहते हैं यार मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले वक्त गुजारना ठीक है अगर हम उसको एक एज ए आइसोलेशन में तो खैर हम सेपरेट तो नहीं ले सकते सिर्फ इस पैरामीटर को लेकिन

सर फिर होने की बात नहीं कर रही हूं अपने ही जोन में सिर्फ अपनी ही जात में रहने की बात नहीं कर रही हूं अपने आप को पसंद करना अपने आप से मोहब्बत करना अपने आप से दोस्ती करना अपने आप की क्वालिटीज को पहचानना अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी पहचानना एक्सेट्रा सो बेसिकली रिलेशनशिप विद योर सेल्फ द पीपल हु रिलेशनशिप विद विद्स आर वेरी डिफरेंट विल ऑलवेज स्टैंड आउट जिन लोगों की अपने साथ दोस्ती और अपने साथ कोई रिश्ता नाता होता है वो हमेशा अलग मुनफरद नजर आएंगे आपको <coughs> काफी हद तक ज्यादा जा, कामयाब भी आपको नजर आएंगे तो अपने आप के साथ इंसान जब कंफर्टेबल हो जाता है और दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करता पसंद जरूर हो आपको लोगों के साथ वक्त गुजारना लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है या वो आप हम ऐतराफ़ भी नहीं करते यार मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है ऐसे थोड़ी कोई कहता है यार दोस्तों के बगैर गुजारा नहीं है कुछ लोग शायद कहते हो बहुत सारे लोग ये नहीं कहते हैं या मिलने मिलाने के बगैर गुजारा नहीं है हम ये बात इस बात का एतराफ़ नहीं करते लेकिन दिस इज अ फैक्ट फैक्ट यू नो दैट दे के नॉट सर्वाइव ऑन देर ओन चेंज के लिए अच्छा होता है लोगों से मिलना सीखने के लिए रख रक रखाव के लिए मिलना मिलाना मोहब्बत दोस्तियां यू नो इट्स जितना एफर्ट करते हैं लोग टू सोशलाइज क्या उतना एफर्ट करते हैं अपने साथ वक्त गुजारने में सोने के अलावा <laughs> अपने नॉट वाइल्ड स्लीपिंग यू स्पेंड एनफ टाइम विद योरसेल्फ और लेस टाइम विद योरसेल्फ वाइल्ड स्लीपिंग नॉट दैट वे लाइक रीडिंग अ बुक बाय योरसेल्फ और एंजॉयिंग अ कप ऑफ कॉफी बाय योरसेल्फ एटसेट्रा एटसेट्रा वेरी गुड आंसर उमर थैंक यू वेरी मच आज का फलसफा क्या था आज के सवाल का कुछ नहीं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या जरूरी है जो आप लग को लगता है

होपफुली मुझे कुछ ऐसे बाद नहीं रिक्वेस्ट बार बार करनी पड़ेगी जवाब को जरूर हैश किया करें आप जो तीस सेकेंड या तीन मिनट लगाते हैं अपने जवाब को देने में तरतीबाज को देने में और जवाब भेजने में आप उसमें पांच सेकंड और लगा के हैश टैग कॉफी मॉर्निंग विद सलमीन जरूर लगा सकते हैं सो दैट वी रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो सो एक थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग फॉर लिसनिंग फॉर मेकिंग शो टूडे even more eventful than it usually is and I am also very happy that a lot of important things covered despite the fact that there was so participation. फैक्ट इंक्लूडिंग दंसिडरिंग दुट बी द करेक्ट वर्ड इतनी सारी पार्टिसिपेशन इतने जवाब थे दरियाए सिंध का पानी पीने के लिए मुजरे सहत है जाते जाते इसलिए मैंशन ये कर रही हूँ बिकॉज एक तो जनरली भी आई थिंक काफी पोल्यूटेड था इन सैलाब की वजह से सो इफ यू एंड योर फैमिली एंड योर रिलेटिव बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ सिंध वॉट्सो एवरदन बी वेरी वेरी केयरफुल वैसे ही बदलते हुए मौसम में हम चुके बात करते रहे हैं आपको वैसे भी मालूम है बदलते हुए मौसम में बीमारियों का के खदात बढ़ जाते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आ, जहां हर साल डेंगी मलेरिया कॉलरा टाइफॉयड ऐसी चीजें बदलते हुए मौसम में थोड़े सामने आती हैं कि के ज्यादा केसेस उसके होते चले जा रहे हैं वी वेयरली गॉटन ओवर कोविड कोविड के केसेस भी आर स्टिल अराउंड सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से यानी पीने का पानी जो है साफ शफाफ um, नहीं मयसर ज्यादातर लोगों को वैसे भी नहीं होता है ठीक है सच्ची बात है इट्स वेरी पोल्यूटेड वाटर दैट गोज इन आवर आर हाउसेज स्पेशलीफ यूर इन प्लेस लाइक कराची सस्ते बहुत सारी सोलूशन uh, मौजूद हैं अच्छे बासर सोल्यूशन मौजूद हैं थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ से फिल्टर्स uh, जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे बाजी uh, हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते दे फ्रॉम वट आई नो कराची चूँकि है ही ऐसी जगह जहाँ पे आपको हर चीज डिफरेंट रेट्स की आ, मिल जाती है तो इट डेव टू सम फैंसी कंपनी का सम फैंसी फिल्टर लेकिन अब तो इको फ्रेंडली भी बहुत सारे फिल्टर जो है वो मिलना शुरू हो गए हैं तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से आप अपने घर में जो भी पानी पी रहे हैं अनलेस आप बॉटल्ड वाटर अफोर्ड कर सकते हैं और लेके आते हैं नलके का जो पानी जो जितने लोग पी रहे हैं नहाने के लिए तो वी कांट रियली डू एनीथिंग उसके लिए फिल्टर का प्लीज जरूर मालूम कर लीजिए क्योंकि पानी गंदा अगर जिसम में जाएगा तो वो फिर रीजन बन जाता है फॉर जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब खैरित रही तो कल सुबह बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सिंग थैंक यू फॉर बींग मी आई लव यू ऑल एंड 107.4